ऑलराइट, तो तुम सब ने अपने एक मानव रूपी जन्म में एक ना एक बार कोई ना कोई रियलिटी शो तो देखा ही होगा। अरे वही जहां नेहा कक्कर के सामने कोई ना कोई ऑलमोस्ट हर एपिसोड में प्यास काट के चला जाता है, या फिर ये जहां ये 13 लोग एक अंडे के लिए एक ही घर में बैठ के लड़ने लगते हैं। मैं ऑमलेट खाऊंगा, चिल्ला रहे, या फिर वही जहां ये 25-30 साल के लौंडे लौड़ियों का बचपन से सपना था कि वो रोडीज बनेंगे। नहीं मतलब समझ रहे हो, बचपन से रोडीज बनेंगे। सो गुंडागर्दी करते हैं, सब लोगों को धमकाते रहते हैं। वेल, तो अगर तुम्हें भी रियलिटी शो में जाना है फॉर योर 5 सेकंड ऑफ फेम, तो ये रहे मेरे कुछ सुपर ऑसम टिप्स जो तुम फॉलो नहीं करने वाले, नो मैटर व्हाट। आई नो, थैंक यू। क्या गेम, इस गेम का मैं सोल्जर, स्नाइपर है ऊपर तू छोटे बोल के, व्यंजन में तड़का लगा दूं मैं खोल कर, बैटिंग में मैं छोटे तू जाके बोल कर। स्टेप 1, मेक श्योर तुम किसी गरीब घर से आए हो। अगर नहीं आए तो मेक श्योर वहां पे यही बोलना है कि मैं बहुत गरीब है साहब, मैं सिर्फ बिस्लरी पानी पीता है क्योंकि मिनरल पानी अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड बूम, मेक श्योर कि डिस्पाइट तुमने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है नाचने या गाने में, तुम्हें स्टेज पे आके यही बोलना है कि तुमने ये सब खुद सीखा है। आई नो गुरु भगवान का रूप होता है वगैरह वगैरह, बट पैसा तो ब्रह्मा होता है ना बेटा। स्टेप 3, मेक श्योर कि तुम्हारे पास कोई अच्छी बैक स्टोरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे माँ या बाप में से किसी एक को कोई जानलेवा बीमारी होनी चाहिए, वो कोई बीमारी कोई भी चलेगी, खूनी बवासीर या फिर हर्पीस, कुछ भी। एंड तुम्हारे माँ या बाप में से एक बंदा शो में होना चाहिए तुम्हारे हर एक डायलॉग के बाद मैली गंगा और मैली जमुना बहाने के लिए, क्योंकि इस दुख भरी दास्तान से तुम्हें मिलेंगी सिंपथीज, एंड सिंपथीज से मिलेंगी वोट्स, एंड वोट से तुम जीत जाओगे शो, क्योंकि टैलेंट से घंटा जीतने वाले तुम। टैलेंट अपनी गांड में डालो, इस मेरा सॉन्ग बस मेरी कंक्रीट, मुझसे लगेगा इसके कान पे घसीट। एमटीवी वर्ल्ड रियलिटी शोज। स्टेप 1, तुम्हें एक पहले से ही वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टाग्राम मॉडल बनना पड़ेगा विद मैक्सिमम 100K फॉलोअर्स और समथिंग, आई गेस। स्टेप 2, मेक श्योर तुम्हारे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि नेशनल टीवी पे चुतिया पे जो करने हैं, पर उसके बदले फेम मिल रहा है ना भैया, फेम मिल रहा है, इतना तो बलिदान देना होगा। स्टेप 3, तुम्हें बेमतलब में अपने कंटेस्टेंट से लड़ना होगा छोटी छोटी बात पे, एंड अगर चमड़ी मैटर पे लड़ रहे हो तो भाई वाह वाह, मतलब ऑडियंस को तो मजा ही आ जाएगा एकदम, मतलब तुम इंटरनेट मीम बन जाओगे, फिर तुम्हें ब्रांड्स अप्रोच करेंगी, तुम रैंडम कॉलेज में जाके उनका बेकार का फैशन शो जज करोगे, एंड बूम करियर सेट। गेट माई पॉइंट, चुतिया पे करोगे तो ही सफल बनोगे। असल हसल है ब्रो, MTV छोटे नकल है ब्रो। अब तो अंधा भी समझ गया होगा कि ये सारे के सारे, यस सारे के सारे रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड एंड फेक हैं। फॉर एग्जांपल, तुम सीरियसली चाहते हो कि मैं मान जाऊं कि ये नाबालिग बच्चों के नाचने गाने वाले शो में ये सारे के सारे एक्स्ट्रा गरीब हैं? नहीं मतलब कुछ लोगों का समझ में आता है, एक दो का समझ में आता है, मतलब ठीक है जो जेन्युइन होता है आई गेस समझ में आ जाता है, बट देन ये सारे के सारे गरीब है, एंड ये मैडम जी इतनी सी बात पे रो रही है। या फिर हर सिंगिंग रियलिटी शो में जहां रियल जज से मिलने से भी पहले तुम्हारे 2 बार ऑडिशंस होते हैं, एंड येट ऐसे लोग यहां कैसे पहुंच जाते हैं? एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। नहीं कैसे, नहीं जनता जवाब मांगती है भाई, कैसे? या फिर ऐसे हर एक एक्सट्रीम चुतिया पे वाले शो में ये लौंडा टीवी के सामने दूसरे लौंडे से लड़ने लगता है, क्योंकि इसे 2 दिन पहले मिली हुई लौंडिया से सच्ची शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई है। नहीं मतलब मान लो मैं कि सारा का सारा ड्रामा रियल है, मान लो मैं, तो सॉरी माय भक्त, ये सब फेक है, ये सारे शोज फेक एंड स्क्रिप्टेड ड्रामा करवाते हैं ताकि सिंपली TRP बनी रहे। सिंगिंग शोज में फॉर एग्जाम्पल इंडियन आइडल के ऑडिशंस में लोगों को लिटरली 4 सेकंड के लिए गाने के लिए बोला जाता है, एंड सीधा नेक्स्ट। 4 सेकंड में कौन सिंगिंग टैलेंट जज करता है वे? फिर इनके पास आते हैं एजेंट्स जो इनसे मांगते हैं पैसे, एंड जो पैसे दे पाता है उसका आता है ऑडिशन टीवी पे, या फिर इवन वर्स अगर तुम उन जज के पहचान वाले हो या फिर उनके पहचान वाले या उनके खुद के म्यूजिक एकेडमी में म्यूजिक सीखते हो तो तुम शो में। एंड सेम गोज फॉर डांस रियलिटी शोज, इन्हें टीवी पे क्या डंडी धोना करना है वो सब भी स्क्रिप्टेड है, डिस्पाइट इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है एंड इनको माँ बाप से पूरा सपोर्ट मिलता है, येट ये टीवी पे आके यही बोलते हैं कि हम बहुत गरीब है, मेरे माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर पे एक ही माँ और एक ही बाप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यही इमोशनल कार्ड अब KBC ने भी खेलना शुरू कर दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ TRP। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे बंदे जो भी स्टोरीज लेके आए हैं सारी की सारी फेक है, बट देन शो पे आया हुआ हर दूसरा बंदा सेम ऐसी ही इमोशनल स्टोरी लेके आया है, मतलब इतना झूठ तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता।
राज में खोलूं मुझे सबका पता, पापा से पूछ वो है किससे खफा। फिर टीवी पे आते हैं ये एक्सट्रीमली स्क्रिप्टेड शोज, स्प्लिट्सविल, रोडीज, जहां लिटरली एस्टैब्लिश्ड इंस्टाग्राम मॉडल्स वगैरह आते हैं या फिर स्ट्रगलिंग इंस्टाग्राम मॉडल्स, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेम ये लोग ये कर रहे हैं। अभी एक्टर तू क्या करता रहता है, फटे हुए होठ लेकर आया है, क्योंकि इन्हें चाहिए टीआरपी। पुलिस स्टेशन ये कुछ तो बोलो पापा, मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद हूं पापा। एंड बिग बॉस, Big Boss. Well, this show is named Big Boss because this is the Big Boss of all the Chutiyappas. अंडा बनाना नहीं था बीच में। अंडा बनाना किसी ने लिखा नहीं, ना किसी ने बोला। Well, यहाँ जाओ, extra drama करो, and boom, तुम्हारा डूबता हुआ करियर कुछ सालों के लिए बच जाएगा, जहाँ सलमान खान लोगों को जज कर रहा है। please don't kill me. मतलब it is funny, you know. Nobody. Okay. मारे जाओगे एक दिन। फिर आती है ऑडियंस, जिसे ये सब लाइव ड्रामा देखना पड़ता है, सिंगिंग और डांसिंग और UNESCO का डिक्लेयर किया हुआ वर्ल्ड का बेस्ट कॉमेडी शो। यहाँ ऑडियंस को हार्श एसी में 6 से 8 घंटे बैठाए रखा जाता है शूट के ड्यूरेशन में। उन्हें बताया जाता है कि कब ताली मारनी है, कब हंसना है, एंड नो टॉयलेट ब्रेक्स, एंड अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो लात मार के सेट से भगा दिया जाएगा। एंड हंसे नहीं तो क्या हुआ, एडिटिंग है ना, जहाँ है यूनिवर्सल फनी साउंड या फिर यूनिवर्सल ऑडियंस का हंसने वाला साउंड। बहुत ज्यादा पाजी, बड़ी बड़ी बूटी। जो कि सारे के सारे साले मर चुके हैं, एंड सारे क्रिंजी कट्स एंड जोक्स एडिट करके एक शो बन जाता है। ओह गॉड, सो इन द एंड में यही बोलना चाहूंगा कि रियलिटी शोज आयरॉनिकली आर नॉट सो रियल माई फ्रेंड, इवन MTV हसल छोटे नकल है ब्रो। अच्छा वैसे भाइयों और उनकी बहनों, वी आर कमिंग अप विद समथिंग बिग रियली सून, तो मेक श्योर कि आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे फॉलो कर रहे हो, ताकि आप थोड़े अपडेटेड रह सको, बिकॉज जो भी अपडेट आएगा पहले वहीं आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज एवरीथिंग शैल बी रिवील्ड व्हेन इट्स टाइम। रियलिटी शोज को छोटे तूने संभाला, नहीं मतलब इतना झूठ तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता, रियलिटी शोज की अब मैं रेस्पेक्ट ही नहीं करता।